हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छोटी छोटी वीडियोस कुछ पेपर तक। 17 तारीख तक आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है और 17/7 को आपका जो टीजीटी है वो है। उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा। रोज़ दो तीन छोटी छोटी वीडियो दूंगा जिनमें कि वो क्वेश्चन होंगे जो कि पेपर में आएंगे। गारंटेड आपको यहाँ से पेपर में कुछ ना कुछ जरूर फंसेगा, इस बात की आप गारंटी ले लेना। मतलब मैंने खुद दिया है पेपर ना, मेरा कुछ निकला हुआ भी है। और ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर मेरा 2016 का पीजीटी निकला था, उसमें मेरा इंटरव्यू के बाद नहीं हो पाया था। तो मुझे आइडिया है थोड़ा कि पेपर कहाँ से आ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम ना एनिमल में लोगों को ज़्यादा हो रही होती है, प्लांट में भी होती है, लेकिन एनिमल में जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को ना, कुछ चीज़ें ऐसी पूछ लेते हैं जो बेसिक नहीं होती, सिंपल नहीं होती। तो टीजीटी में खास करके ज़्यादा टफ सवाल डाल रहे हैं जो डालने नहीं चाहिए इनको, तो हम उसके लिए थोड़ा देख रहे हैं। पीजीटी भी यहाँ से फंस जाएगा जरूर। तो चलिए करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हम देखेंगे आपको कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस और उसमें बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट ये रही हमारी, जिसमें कि आप देखोगे कि यार आपका ये कैनाल सिस्टम है, ठीक है ना। तो कैनाल सिस्टम में देखो यार, तीन तरह का यहाँ कैनाल सिस्टम होता है आपका। सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो एस्कोन टाइप होता है, उसके बाद साइकोन टाइप होता है, उसके बाद लियोकोन टाइप। तो पहला सवाल यही तीनों से आ जाता है। आपसे पूछेंगे सिंपलेस्ट कौन सा होता है, तो आप बताओगे एस्कोन टाइप। कॉम्प्लेक्स कौन सा, साइकोन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स लियोकोन टाइप होता है। द मोस्ट एडवांस सिस्टम इज लियोकोन टाइप, ये सवाल आपको पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे लियोकोन टाइप किस में मिलता है, ऑप्शन में रहता है स्पोंजिला, ये ध्यान रखना। एस्कोन टाइप ल्यूकोसोलिनिया, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को यहाँ पर। एस्कोन टाइप में ल्यूकोसोलिनिया नहीं लगाते, ल्यूकोन टाइप में ल्यूकोसोलिनिया लगाते, गलत जाएगा सवाल, ध्यान रखना। ये पूछा जाएगा, एग्जाम्पल दोनों के याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट सवाल क्या है, कभी कभी ये सवाल आता है, ये वाली जो नीचे लाइन दी है इसको लाइन से लगाने के लिए पूछ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ कहेंगे पानी जो है वो ओस्टिया से अंदर घुसेगा, ठीक है ना, और आकर के फिर वो सीधा स्पॉन्जोसील में आएगा और वहाँ पर वाटर करंट बनेगा। उसके अंदर कोएनोसाइट्स होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स, उससे बनेगा वाटर करंट और पानी निकल जाएगा बाहर। जो भी सामान उसके साथ होगा वो अंदर आएगा, कूड़ा निकल के बाहर चला जाएगा। तो ये एक तरीका है, पहला पॉइंट इसका ये पूछते हैं। ये भी पूछते हैं आपको लाइन से लगाने के लिए आएगा। साइकोन टाइप में आपका जो साइफा मिलता है, ग्रेंचिया मिलता है आपका, उसमें क्या होता है, देखो बाहर ओस्टिया होते हैं, ओस्टिया के बाद इनकरंट कैनाल होती है। आपको ये लर्न करना है, ओस्टिया के बाद इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल आपकी, देखो यार यहाँ लिखा है नॉन फ्लैजिलेटेड लाइंड बाई पिनेकोसाइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछते हैं इनकरंट कैनाल लाइंड बाई, तो आपका आंसर होगा इनकरंट कैनाल लाइंड बाई द पिनेकोसाइट्स। फिर वो ये पूछते हैं कि इनकरंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कौन जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा प्रोस्पाइल्स, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। इनकरंट कैनाल को कौन जोड़ता है, प्रोस्पाइल, या ध्यान रखना बाहर से ओस्टिया से जो पानी अंदर आता है इनकरंट कैनाल के बीच में, वहाँ क्या होता है, ओस्टिया होता है। फिर आपके पूछेंगे रेडियल कैनाल जो है आपकी, वहाँ पर फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ये देखो ध्यान रखना फ्लैजिलेटेड चैम्बर है और लाइन बाय द कोएनोसाइट। तो देखो यार ध्यान रखना, जहाँ भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर होगा ना वहाँ कोएनोसाइट ही होगी, इंपॉर्टेंट है ये बात। फिर आप देखोगे यहाँ क्या लिखा है, रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोसील से कनेक्ट कौन करता है, एपोपाइल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, PA ऐसे याद रखना, PA मतलब बाहर P होता है अंदर A होता है, पा बन जाएगा आपके दिमाग में याद रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्पॉन्जोसील में खुलेगा, फिर बाकी का काम वही है, ओस्कुलम के थ्रू पानी बाहर निकल जाएगा। द थर्ड वन इज अ ल्यूकोन टाइप, वहाँ थोड़ा टफ सा हो जाता है, होगा क्या देखो यार, ल्यूकोन टाइप में आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, स्पॉन्जिला मिलता है, एडवांस है, बाहर से पानी आएगा ओस्टिया के थ्रू, फिर इनकरंट कैनाल होगी, फिर आपका प्रोस्पाइल होगा और फ्लेजिलेटेड चैम्बर होगा और फिर यहाँ एपोपाइल होगा। देखो यार यहाँ पर एक बात है, यहाँ एक एक्सक्रेंट कैनाल भी होती है ना, डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ द स्पॉन्जोसील विच हैज डिसअपीयर्ड। तो यार यहाँ पर थोड़ा ये डिसअपीयर हो जाती है और ये पानी जो है आपका एक्सक्रेंट कैनाल के थ्रू अंदर आता है और फिर बाहर निकल जाता है ओस्कुलम के थ्रू। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो दिया नहीं गया, तो ध्यान रखना। पहले आपका इनकरंट इनग्रेसिंग वाटर आएगा बाहर से, फिर इनकरंट कैनाल के थ्रू अंदर जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर फ्लैजिलेटेड चैम्बर होगा, उसके बाद एपोपाइल के थ्रू कनेक्शन होता है। देखो यार प्रोस्पाइल, एपोपाइल और एक्सक्रंट कैनाल, ये नया चीज़ जुड़ जाती है, ध्यान रखना। एक्सक्रंट कैनाल के बाद आपका कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा जो कि आपकी डिसअपीयर होगी है, उसके बाद ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यार तीनों चीज़ें ध्यान रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के सीधा सीधा सवाल आएगा, एस्कोन टाइप, सेकोन टाइप, ल्यूकोन टाइप, एडवांस कौन है, सिंपल कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन यार देखो तीन बेसिस मिलता है, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिलिडा और डेमोस्पोंजिएट। तो मतलब देखो तीन तरह से बांटा गया है, इसमें स्केलेटन जो है मेन बात है, स्केलेटन किसका कैसा होता है, यही सवाल आता है कि इसमें कैसा स्केलेटन मिलता है। तो आप ध्यान रखना कि भैया देखो कैलकेरिया जो होता है उसमें स्केलेटन जो है वो कैलकेरियस होता है। हेक्सेक्टिनिलिडा जो में आपका जो 6 लेयर्ड सिलीसियस स्पिक्यूल्स मिलते हैं, और यहाँ पे भैया देखो आपको सिलीसियस स्पिक्यूल भी मिलेंगे और स्पॉन्जिन फाइबर जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं वो भी मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये पूछा जाता है, देखो आपको एग्जाम्पल देके पूछते हैं, ल्यूकोसोलिनिया में कैसा होता है, कैलकेरिया होता है, जो आपके बाथ स्पॉन्ज वाला होता है उनमें होता है स्पॉन्जिला में,
उनमें होता है आपका डेमोस्पियोन्जिएट टाइप का, एग्जैक्ट नीलार मिलता है आपका यूप्लेक्टिला, जिसको आप क्या कहते हो वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हो। तो ये सवाल भी आता है, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे कभी। वीनस फ्लावर बास्केट कौन कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है कि एग्जैक्ट नीलार में मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा। कैलकेडिया में कौन आएगा, ल्यूकोसोलिनी आएगा, ये ध्यान रखना। डेमोस्पोंजिएट में कौन मिलता है, स्पोंजेले मिलता है, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, क्वेनोसाइट रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं, मैराइन होते हैं, शेलो वाटर में मिलते हैं, कैनाल सिस्टम एस्कनॉइड टाइप का है, हमने देख लिया ठीक है, और ल्यूकेनॉइड टाइप का। आगे लिखा है क्वेनोसाइट स्मॉल होती है, मैराइन इनहेबिटेंट डीप वाटर में रहते हैं, साइक्नॉइड टाइप की बॉडी होती है। पर यहाँ लिखा है शो क्वेनोसाइट ज़्यादा स्मॉल होती हैं, शो अडेप्टेशन ऑन फ्रेश वाटर शेलो एंड डीप एज वेल एज फ्रेश वाटर ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो ये तो पता ही है हमें, ज़्यादा एडवांस बात है तो ल्यूकोन टाइप ही मिलेगा ठीक है। तो एक बार देख लेना इसको भी, हल्का हल्का एग्जाम्पल देख लेना, आ जाता है सवाल यहाँ से। नेक्स्ट है आपका, ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इन एग्जाम्पल्स से सवाल आता है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है साइफा, साइफा मतलब क्राउन स्पॉन्ज जिसे कहते हैं, यार ये आजकल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे वाले, साइफा क्या कहते हैं, क्राउन स्पॉन्ज, ध्यान रखना, साइकोन भी कहते हैं। यहाँ लिखा है कि ओलिंथस स्टेज, ये काला जो हो रखा है ये सवाल है, ओलिंथस स्टेज आपको पूछेंगे कहाँ किससे मैच करता है, तो ऑप्शन में होगा आपका साइफा होगा। यहाँ लिखा है कि आपका इसका लार्वा बताइए, लार्वा आपको ध्यान रखना है एम्फीब्लास्टुला लार्वा होगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, सवाल गलत जाएगा, एम्फीब्लास्टुला पैरेन्काइमुला में गलती हो जाती है, ध्यान रखना है एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका होता है, आपका साइफा का होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा पूछेंगे सीधा बता देना पैरेन्काइमुला है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बहुत बार पूछा गया है ठीक है। बाकी चीज़ें याद नहीं करनी है, रेडियल सिमेट्री है, एस्कोन टाइप ऑफ पता लग गया हमें, पीछे कैनाल सिस्टम कैसा होता है, ये सब नहीं पढ़ना है फालतू का ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला मतलब वीनस फ्लावर बास्केट्स को बोलते हैं। इसमें भैया देखो क्या लिखा है, ये शादी में गिफ्ट देते हैं जापान में, तो यार ये कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कहाँ दिया जाता है गिफ्ट शादी का, तो जापान बस, ये ध्यान रखना, इसकी जगह चाइना ना लगाना, बाकी कुछ नहीं आएगा ठीक है। हायलोनीमा, ये सवाल सीधा इसी बस यहीं से आएगा कि ग्लास रोप स्पॉन्ज कौन सा होता है, आपका आंसर होगा हायलोनीमा ठीक है, बस यही याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना है, ये सब कूड़ा है ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्लियोना बोरिंग स्पॉन्ज, ये सवाल आ जाता है, बस ये कुछ नहीं आएगा इधर से। स्पॉन्जिला बाथ स्पॉन्ज होता है भैया, आपको पता है, इसका जो मेन सवाल है वो ये है भैया, ये पूछेंगे कि ये फ्रेश वाटर है, यस बिल्कुल फ्रेश वाटर है, एनसीईआरटी में दे रखा है। कैनाल सिस्टम होता है रेगोन टाइप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो जो ल्यूकोन टाइप है ना उसको रेगोन टाइप बोलते हैं, ये सवाल फंसता है, तो ध्यान रखना रेगोन टाइप मतलब ल्यूकोन टाइप, एंड स्लोज वेरियस शेड ऑफ ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिकल की जूकलर, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछते हैं कि इसमें से कौन सा एग्जांपल म्यूचुअलिज्म का है, या फिर ऐसा पूछते हैं सिम्बायोटिक कौन सा है, सिम्बायोटिस कौन सा करता है, आपका ऑप्शन में रहेगा कि स्पोंजिला के साथ में जू क्लोरेला आपका मिलता है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना काफी काफी। नेक्स्ट है बाथ स्पॉन्ज मतलब यू स्पोंजिया, भैया ट्रू स्पॉन्ज होता है नहाने काम आता है, मतलब पानी को सोख के रखता है, तो ये कह रहे हैं हॉर्नी स्पॉन्ज को बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं करना, नाम बस नाम से ही सवाल आएगा, बाथ स्पॉन्ज कौन सा होता है ये ध्यान रखना ठीक है ना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको आप पोरिफेरा के बारे में बताएं, तो पोरिफेरा के बारे में एक दो बात हो रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, फिर इसके बाद मैं आपको सिलेंट्रेटा के टीनोफोरा के और एस्केलेमेंथीज के साथ साथ बताऊंगा, प्लेटी के पहले बताऊंगा, तो आप अगली वीडियो रहेगी जो प्लेटीएलेमेंथीज की रहेगी और आपकी सिलेंट्रेटा की और आपकी टीनोफोरा की रहेगी ठीक है ना। तो चलिए करते हैं आज के लिए इतना ही, बहुत थैंक यू, देख लेना है पूरी वीडियो ठीक है ना, नेक्स्ट भी आएगी जरूर, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, भाई को कर देना सपोर्ट, धन्यवाद होगा बहुत बहुत अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो, मतलब थैंक यू सो मच यार है ना। आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, मतलब पीजीटी तक मैं अब जरूर बताऊंगा आपको, ऐसे लगभग 25-30-40 सवाल तो करा ही दूंगा, इंपॉर्टेंट जो आएंगे गारंटी, आप बाद में देख लेना चाहें ठीक है। थैंक यू सो मच।